मम्मी आपकी थाली थोड़ा सा अंदर करना, निकलने वाला इससे टकरा है, तो इसको अंदर करेगा तो मूर्ति बाहर आएगी, बहुत ऊपर से टकराएगा ना। ठीक है अभी तो मैंने भगवान बलराम की जय। बहुत सुंदर है गौसिंग भाई, अति सुंदर, अति सुंदर, एकदम नया काम किया, मजा आ गया। बहुत है कुछ कुछ था और कुछ श्रद्धा भी, बहुत सारी चीजें मुझे ऐसा था कि शायद ये मुकुट पे डाउट डाउट था ना, सब अच्छा है, कुछ डाउट कुछ नहीं, बहुत अच्छा मतलब तो वो आपको दे दे। साक्षात है ना इस तरफ से सामने से लगे। आपको वीडियो भेजा मैंने एक दो लोगों को, मेरे भैया को भी भेजा, बड़े भैया है ना, तो मुझे बोला किसको तैयार किया है किसको तैयार किया, ये भैया ने बनाई है, मोहन सिंह भाई ने, आप आओ से हमारे लिए बलराम जी आती है पहली बार आए भी हो आप
जो यहाँ तक मूर्ति बनाने के बाद में घर तक दीप छोड़ने भी आए, इसके लिए बहुत बड़ा आभार आप सभी का। जो कल्पना थी उससे अच्छा आपने काम किया है। बहुत ही सुंदर है भाई, बहुत सुंदर है। आखिरकार बलराम जी को भैया ले ही आए घर है। बहुत मेहनत करी भाव सिंह भाई, 3 साल से हम ढूंढ रहे हैं, 3 साल से। हाँ भाव सिंह भाई मिले फिर बलराम जी आए घर पे, इसके लिए आभार है आपका। भाव सिंह भाई एक आपका परिचय दीजिए साथ में बलराम जी के। आइए इधर आइए। तो पूरा भारत जाने कि किसने ये मूर्ति बनाई है। बस मैं भाव सिंह हूँ, बलराम जी बना दिए। आपने ढूंढ लिया मुझे बलराम जी के। कहाँ से हैं आप, कोई कनेक्ट होना चाहे आपसे। मैं बड़ौदा से हूँ, मैं बड़ौदा में ही रहता हूँ और 15 साल से बड़ौदा में, और मेरा वर्कशॉप ऑफिस सब कुछ बड़ौदा में। गुजरात? गुजरात। आपका कांटेक्ट नंबर कुछ देना चाहेंगे पब्लिक अगर आपसे कनेक्ट हो। बिल्कुल, इट्स 8460074717। थैंक यू, थैंक यू।